हूँ जी क्या कहना चाहेंगे गणपति बाबा का, किस तरह की जाओ गणपति बाबा जी विराजमान हैं, कितनी खुशी इस बात की और कितनी पॉजिटिविटी होती है पूरे वातावरण में होती है, आनंद से एक रंगा माहौल हो जाता है, रंगा रंगीन माहौल जैसे हम बोलते हैं, और बहुत इंतजार रहता है उनको पापा को लाने का, बस इनके आने से समझ लीजिए हमारी रोजी रोटी पे आके बैठते हैं, ये मेरा ऑफिस भी है, मेरी रोजी रोटी भी है, और यहाँ आके पापा बैठते हैं, ये सबसे बड़े मेरे लिए खुशी की बात है, और इस पल का मेरे को बहुत इंतजार रहता है। तो जिस तरह से पापा के आसपास इतना अच्छा प्यारा डेकोरेशन किया गया है, ये किसका सहयोग होता है, क्या आप इसमें कुछ आइडिया देते हैं कि हम जिस तरह से पापा का ये जो पूरा डेकोरेशन है, ये सब चीज के लिए मेरी बेटर हाफ मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करती है, उन्हीं का सब डेकोरेशन में आज पापा की सब पूजा करना, ये वो सब उनका डिपार्टमेंट रहता है, और काफी सहयोग देती है मुझे, एकदम कंधे से कंधा मिला के देती है। तो पापा जो बैठे पापा को देखकर क्या फील करते हैं, क्या क्या लगता है, जिस तरह से पापा बैठे हुए हैं, जिस तरह से उनकी दिखाई देता है, तो क्या फील करते हैं कभी आप बैठे मुझे पास? बैठता हूँ, काफी देर बैठता हूँ, रात में बोलता हूँ या पूरी रात गुजारता हूँ। एक बहुत बड़ी बताया मैंने, एक सरपरस्ती लगती है सर पे, कि कोई एक अपने ऊपर हाथ है जो हमारी रक्षा करते हैं हमेशा, उन्हें विघ्न हरता है, आने से सब हर्डल्स हमारे दूर हो जाते हैं इनके। तो आपकी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्शकों से दर्शकों को क्या शुभकामनाएं हैं गणेश जी की? देखिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अभी हमारा जो महाराष्ट्र जो इस दौर से गुजर रहा है, सब जगह आपदा आई हुई है, फ्लड्स हैं, लोग बहुत बेघर से बेघर हो गए, इतना दुख का माहौल चल रहा है, और इनके हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, अभी आके लोगों के सब विघ्न दूर करें और उन्हें वापस से रिसेटल होने के लिए या घर बसाने के लिए पापा अपनी ब्लेसिंग दें, और सभी का अच्छा हो बस मैं यही बोलना चाहूँगा। गणपति बापा मौर्य मंगल मूर्ति।